भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। इस त्योहारों में से ओणम एक ऐसी त्योहार है जिसमें राक्षस को राजा महाबली का पूजा किया जाता है और इस त्योहार खास तौर पर केरल में मनाया जाता है। तो इसलिए आज हम बनाएंगे ऐसी रेसिपी जो ओणम से जुड़ी है। तो चले देरी ना करें शुरू करते हैं। पैन गर्म होने के बाद डाल देंगे एक चम्मच देसी घी। आप चाहे तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी अच्छे से गर्म हो जाने के बाद डाल देंगे हाफ चम्मच काली सरसों। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा क्रश किया हुआ अदरक, उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे दो कटी हुई हरी मिर्च और एक सूखी लाल मिर्च, इसको अच्छी तरह से एक मिनट के लिए पकाएंगे। अब डाल देंगे कुछ करी पत्ते। इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब डाल देंगे 150 ग्राम कटी हुई पत्ता गोभी, आप चाहे तो ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और एक मिनट के लिए इसको पकाएंगे। अब डाल देंगे कुछ नारियल, इसको अच्छी तरह से पकाएंगे 2 मिनट के लिए। अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। ये रेडी हो चुका है, इसको हम साइड में ले लेंगे। दूसरे पैन में हम एक कप पानी ले लेंगे। डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और एक चम्मच चीनी और एक चम्मच देसी घी, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। पानी में अच्छे से उबाल आने के बाद डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके राइस पाउडर। इसको ज्यादा ठंडा होने नहीं देंगे, ऐसे हल्के हाथ से एक डो बना लेंगे। मैंने यहाँ इसी तरह से लोई काट लिया है, आप चाहे तो इससे बड़े छोटे लोई भी काट सकते हैं। लोई के ऊपर थोड़ा घी लगाकर उसे बेलन के मदद से बेल लेंगे। इसे गोल शेप देने के लिए एक ग्लास की मदद से कट कर लेंगे। इसी तरह बाकी लोइयों को बेलकर कट कर लेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा पूर डालेंगे, इसके ऊपर बेली हुई पूरी को रख देंगे और हल्के हाथ से इसको प्रेस करेंगे। और एक चम्मच की मदद से इसके किनारे को ऐसे ही प्रेस कर लेंगे। इसी तरह बाकियों को हम बनाकर तैयार कर लेंगे।
केले के पत्ते को हम छोटे छोटे गोलों के आकार से कट कर लेंगे। इडली की छन्नी में कटी हुई केले की पत्ती को रख देंगे। इसी तरह स्टीम करने के लिए इसको यहाँ पर डाल देंगे। और 5 से 7 मिनट के लिए इसको स्टीम करने के लिए छोड़ देंगे। ये बनकर तैयार हो गया है। दिखने में जितनी सुंदर है, खाने में भी उतनी टेस्टी है और हेल्दी भी। इसको चटनी या सॉस के साथ भी खा सकती है। ये रेसिपी आप घर पर बनाइए। उम्मीद है कि आप सभी को ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।